और भाई क्या हाल चाल है? वेरी नाइस भाई, मीम्स मीम्स देख रहे हो तुम लोग? हाँ यार वही देख रहे हैं, तू ही दिखा है सबसे पहले हमें, तो मजा नहीं आया मुझे यार। हमने सोचा था हम करियर बनाएंगे, हम मीम्स बन गए हैं। आई थिंक इसी से पता लगता है कि एज अ कॉमेडियन तुम ठीक कर रहे हो, अगर तुम्हारे एक आधे जोक पे मीम टेम्पलेट नहीं बना तो तुम कहाँ के कॉमिक भाई। किसी किसी को देख के लगता है कि गजब बेइज्जती है। राहुल की वॉइस में पढ़ने का मन करता है। यू कैन हियर दिस पिक्चर, मतलब ऐसा है ये। वैसे कौन सी बात है जो झूठ बोलने की नहीं होती? आई थिंक हर बात पे झूठ बोला तो जा ही सकता है। मेरे पड़ोसी ने किया था, उसने क्या करा, उसका रिजल्ट आया और उसने ना बहुत कम नंबर थे, तो वो हर एक के आगे जीरो बढ़ाता चला गया। हर एक उसके आगे के बी टू को 20 कर दिया, 3 को 30 कर दिया, और वो तब पकड़ा गया जब उसके टोटल नंबर टोटल मार्क्स से ज्यादा हो गए। उसके उसके आए 159%। उसके मैथ्स में कम नंबर आए थे क्या? एग्जैक्टली। जब पेरेंट्स ने तुम्हें पूछा कि तुम लोग पास हुए कि नहीं, उससे सीधा प्रूफ मांगते थे। ये तो वेरी वेरी रिलेटेबल, दिस इज, मजा नहीं आ रहा है। जॉब में मजा किसे आ रहा है? सुबह लोग जब बेड पे पड़े होते हैं ना जॉब पे जाने के लिए, तो एक लाश होती है जो कहती है कि आज फिर उठना है, फिर वहां जाते बोलते हैं गुड मॉर्निंग। आई थिंक गुड मॉर्निंग इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट लाई। और सबको पता है देयर इज नथिंग गुड अबाउट दिस मॉर्निंग। गुड अच्छा होता है, गुड मॉर्निंग शर्मा जी, मुझे 10 मिनट में वो फाइल चाहिए जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही। पर इसमें तेरा एक्सप्रेशन कैसे करके के बिल्कुल नहीं आ। अगेन परफेक्ट नंबर ऑफ टीथ। चीड़ दिखती है आशीष के मुंह पे। When my relatives saw that I am doing well in life, ये नहीं। अब किसको ताने देंगे? तेरा उसकी, इसने ये लाइन अपने माँबाप को लिख के बोली कि माँबाप सगे हैं पर मजा नहीं आ रहा। पर इतनी सच्चाई क्यों दिख रही है तेरे एक्सप्रेशन? मेरे पेरेंट्स से सोच लो, मेरे पेरेंट्स ने शो देखा एंड द फर्स्ट लाइन दे वाज मेरे माँबाप सगे हैं पर मजा नहीं आ रहा। और मेरे पापा ने छुट्टी ली हुई थी शो देखने के लिए, वो फिर से ड्यूटी पे चले गए। मेरा डाउट ये कि कितने दिनों बाद फोटो मांग सकते हैं? अगर कभी भी तुम फोटो मांग रहे हो रिलेशनशिप, तो वो कॉन्फिडेंस तो देखना पड़ेगा लड़के। तो लाइव एंजॉय करो ना, अभी पहले तो लाइव एंजॉय। हाँ ये देखो, ये लाइव परफॉर्मर है जो कह रहा है कि वीडियो को चाहिए आपको। गुरलीन रात को 4 बजे सो के सुबह, मतलब ये बोल के सोती थी वो सुबह 8 बजे उठ जाएगी, तो वो भी कॉन्फिडेंस है लड़की का यार। मैं अगर अंकल वाली बात करूं तो बेटा इस उम्र में ही अच्छा लगता है ये सब, कुछ दिनों में तुम्हारे शरीर ने जवाब दे देना। बहुत शूट किया तेरे ऊपर, एग्जैक्टली मुझे बोलते बोलते लगा। आधार कार्ड की फोटो मेरे ख्याल से मांग रहा होगा, प्लीज आस्किंग फॉर। 2 दिन वाला लगता है आधार वाली ही बनती है। Rich guy, what a shitty guy. What a shitty guy. कालीन भैया। यार इसका इतना प्यारा बना है ना, इसलिए मैं प्रिपेयर नहीं था। और ये बिल्कुल बैठ रहा है वो टेम्पलेट। मॉल के वॉशरूम जाओ सुसू करने के लिए, मैं पॉटी आ जाए तो। ये श्रेया के गोलगप्पे मॉल में सुसू, ये स्ट्रगल वाली बातें की मैं श्रेया के। इसका डाइजेशन प्रॉब्लम है, ये हमें बदल गया गोलगप्पे खाते ही। When my parents saw that I am more disciplined than them, they were like, इसके लिए मैं prepare नहीं था। When me and Shreya got to know कि sketch episode भी है, इसके लिए बिल्कुल prepare नहीं थे हम। Bombay 60 ने बनाया meme, लिखा हुआ है कि bank balance के यहाँ पे चाय पीने के पैसे नहीं है भाई। यार मिनिमम बैलेंस वाला मैसेज क्यों भेज रहा हूँ, हमें पता है नहीं है पैसा हमारे पास। अच्छा और तू ये कभी नहीं बोलते कि चलो जैसे मैं 15 रुपए एक्स्ट्रा डाल दो तो अब मिनिमम बैलेंस से ऊपर आ गए, अब एक रिच क्लास के पार्ट हो, ऐसा कभी नहीं आता। मिनिमम बैलेंस में आते कि देखो तुम्हारे लगने वाले। व्हेन यू आर अ बैचलर एंड लुकिंग फॉर अ होम, तेरे बड़े अरमान है नीचे फ्लाईओवर के नीचे सो जाके। व्हेन आई टोल्ड माय पेरेंट्स दैट आई विल डू अ लव मैरिज, वो कहते बेटा देख रहे हो लड़के, आप वही कहते बेटा हो सके तो देख ले, फिर बस की मुश्किल लग रहा है हमें। जस्ट इन केस लोगों को समझ नहीं है कि कौन उसके औकात के बाहर है, श्रेया पॉइंटेड उसके औकात के। एवरी टाइम आदेश अप्रोचेस अ गर्ल, गर्ल मैं उसकी औकात। व्हेन अमन ट्राइज टू पुट ऑन अ मास्क, हिज नोज इज लाइक मैं आज मास्क के बाहर हूं। व्हेन अमन पुट्स ऑन अ मास्क, वो एज अ टेंट बन जाता है यहाँ पे। लोग यहाँ पे शरणार्थी बैठ जाते हैं कि क्या यहाँ करते हैं अंदर।
वेरी टॉक्सिक ट्रेट. तुम्हारी वजह से ही हम उबर ले रहे हैं, नहीं तो हम तो घोड़े पर बैठ के आ जाते तुम्हें स्कूल से पिकअप करने. मैं अमन की प्रिविलेज दिख रही है. उबर इज उबर. अरे भाई जोक के लिए आशीष यार, जब वो पार्लर वाली दीदी आईब्रो गलत बना देती है और उनको बोलो तो वैसे ही करती है कि मुझे भाई गलती मुझे अपनी आंखें नहीं देखनी. मेरे सलून वाले से बोल रहे हैं कि हीरो लग रहे हो, मुझे पता है ये तूने गलत कर दिया, मान लेना भाई आप समझ नहीं रहे हो आज कुछ अलग हो गया. अरे मैं समझ रहा हूँ अलग हो गया है, अलग नहीं करना था मेरे साथ. तो थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग इतने प्यारे प्यारे मीम्स बना रहे हो, हमें बहुत बढ़िया मजा आ रहा है. बहुत थैंक यू सो मच. मीम्स देख के बहुत मजा आया, वैसे बड़ा मजा आ रहा है. और आप लोग हमें टैग करते हो, थैंक यू सो मच. और कॉमिक्स देखो यार, कॉमिक्स सीजन 3 अमेज़न प्राइम वीडियो और इट इज स्ट्रीमिंग.